क्या आपके घर में बार बार उग जाता है पीपल का पेड़? क्या इसे काटने से लग जाता है दोष? यदि घर में पीपल का पेड़ उग जाए तो करें ये उपाय। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवता का वास होता है। सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी राशि के सभी ग्रह शांत होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। महिलाएं यदि शनिवार को पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा होती है और इसे काटा नहीं जाता है। वास्तु के अनुसार पीपल के पेड़ को काटने से जीवन में नकारात्मकता आती है। इससे दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी होती है। बच्चों के लिए भी यह नकारात्मक होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ काटने से पितरों को पीड़ा होती है। यही नहीं, आयुर्वेद में पीपल की बहुत महत्ता बताई गई है। कई पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के पेड़ और उसकी पत्तियों के गुणों के बारे में बताया गया है कि पीपल के प्रयोग से रंग में निखार आता है, घाव, सूजन, दर्द से आराम मिलता है। पीपल खून को साफ करता है। पीपल की छाल मूत्र योनि विकार में लाभदायक होती है। पीपल की छाल के उपयोग से पेट साफ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। पीपल दिन ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। वैसे तो पीपल का पेड़ बहुत शुभ होता है, लेकिन इसका घर में उगना अशुभ माना जाता है। यदि ये आपके घर में उग गया है तो पीपल के पेड़ को थोड़ा बड़ा होने दें। इसके बाद इसे मिट्टी सहित खोदकर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से पेड़ नष्ट नहीं होगा और दूसरी जगह पर यह अच्छी तरह से बड़ा भी हो जाएगा। यदि पीपल का पेड़ बार बार एक ही जगह पर उग रहा है तो आप 45 दिन तक पीपल के उस पौधे की पूजा करें और उस पर कच्चा दूध चढ़ाते रहें। इसके बाद पीपल के पौधे को जड़ सहित उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। इसे परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। यदि आप इसे काट देते हैं तो इससे घर परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है और घर पर आर्थिक संकट आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में पूर्व दिशा की तरफ पीपल का पेड़ लगा हो तो ऐसा होने से घर में डर और निर्धनता आती है। अगर पीपल का छोटा पौधा है तो आप उसे एक गमले में लगाकर किसी मंदिर में रख दें। यदि आपके घर में भी पीपल का पेड़ उग गया है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करके उसे कटवा सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ें काफी गहरी और दूर तक फैली होती हैं। ऐसे में अगर यह पेड़ घर में होगा तो इसकी जड़ें मकान की नींव को कमजोर कर सकती हैं। इसीलिए भी माना जाता है कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।